इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। जैसे एक छोटे वॉचमैन के लड़के को हमारे सदर इस महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप, इस महाराष्ट्र के होने वाले भावी मुख्यमंत्री इम्तियाजी जलील साहब मेरे सदर, उन्होंने मुझे एक छोटे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे को आज विधानसभा का उम्मीदवार बना के ये महाराष्ट्र के तमाम जातिवादी और प्रस्तावित लोगों को बता दिया कि मजलिस MIM पार्टी ये जातिवादी नहीं है, हमारी पार्टी तो सेकुलर है, जो भी पार्टी बची है ये सब जातिवादी पार्टी है। मैं भाषण शुरू करने के पहले इस हिंदुस्तान की मुलुक मैदानी तोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चरण स्पर्श करता हूँ। जिन नेता की जो हमारे तुम्हारे सबके आइडल है, जिनकी अपन सब लोग राह देख रहे, मैं अकबरुद्दीन साहब को भी चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मैं जो बात आज यहाँ पे रखने वाला हूँ वो बात मुद्दे सूत रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब भी भाषण करने आता हूँ तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब की एक आधी स्पीच सुन के आता हूँ। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते मुझे इस देश का वजीर आलम नहीं बनना है, मुझे तो बस इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनंती करता हूँ, आदिवासी लोगों को विनंती करता हूँ, पिछड़ों को विनंती करता हूँ, तेली माड़ी मांग कुमार संभार सर्वन सबको विनंती करता हूँ कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों, बड़ी मेरे से भी ज़्यादा आप टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कि अगर इस महाराष्ट्र में अगर मेरा कोई दाया हाथ है तो हम हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों मीटिंग में लेते हैं, जाहिर सभा में लेते हैं। तो आने वाले टाइम में हम सबको, मैं विधानसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरा कल क्या होगा या तो हमारे 16 कैंडिडेटों का क्या होगा वो अल्लाह के जात के हाथ में, वो अल्लाह तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर दोस्तों, औरंगाबाद के तमाम लोगों को मेरी विनंती है कि तुम्हारी मेरी आन बान शान, ये औरंगाबाद की 2 सीट इतने मतों से आना कि पूरा महाराष्ट्र की आग चौक जाए कि जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब कितने वोटों से चुन के आए। तो दोस्तों, ये तुम हम सबकी ताकत है कि आज इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज असद साहब NRC हो गए, CAA के मैटर पे अपने अपने लिए सांसद में लड़ते हैं। जितने बार हम और हमारे नेता बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं लेते, उतने बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। दोस्तों, तमाम मैं मुस्लिम समाज को विनंती करने नहीं आया हूँ। मुस्लिम समाज तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के साथ में खड़ा है। जो जो नबी के दीवाने वो सब यहाँ पे हाजिर है। मेरा तुम सबको सलाम है। मैं यहाँ पे आह्वान करने आया मेरे बुद्धिस्ट लोगों को, मैं मेरे दलित लोगों को, आदिवासी पिछड़ों को,
कि तुम्हारी हक की आवाज़ अगर कोई होगा औरंगाबाद में और या महाराष्ट्र में तो ये इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है। दोस्तों मैं ज़्यादा बात, शांति आराम से भाऊ, आराम ना भाऊ, हलू हलू। मला मेरे को यहाँ पे बात करने का मौका दिया मेरे सदर साहब यहाँ पे। भाऊ मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पार्टी के सदर यहाँ बैठे हैं, मेरे सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, शांति करो भाऊ, शांति करो, शांति करो भाऊ, एडजस्ट करो भाइयों। यहाँ पर मीडिया के कैमरे हैं महंगे महंगे, अपने कायदीन को शर्मिंदा मत होने दीजिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए प्लीज। अरे कौन आया, कौन आया, अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज मेरे भाइयों कम आ रहा है, औरंगाबाद के हर कोने में ये आवाज जाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तुम संघर्ष करो, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औरंगाबाद के नौजवानों एक बार अपने रिश्ते का इजहार करें, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बैठ जाइए, आपसे गुजारिश है, बेसब्री से जिनका आप इंतजार कर रहे थे। हबीब मेरे भाइयों, हिंदी भी बात कर सकता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। आज ऑल इंडिया मजलिस से इत्यादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब और जिनको देखने के लिए आज आप इतना तड़प रहे हैं, वो अपने दूसरे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और मुझ जैसे आंबेडकरी समाज के एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज इस विधानसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए जिसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मेरे महाराष्ट्र के नेता, मेरे सर्वे सर्वा आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील साहब। मेरे भाइयों, हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मेरे आप सबसे गुजारिश है, हम अपने अपने मतदार संघ में हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमको एक बात आपको ये कहनी है कि कुछ भी हो जाए मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब चुन के आने चाहिए, ये हमारे सर का ताज है। आज ये औरंगाबाद की हालत ऐसी हो गई है, अली बाबा 40 चोरों के जैसी हो गई है, आज 40 चोर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पड़े हैं, मगर हमारा शहर इतना खतरनाक है, इनको जाते जाते लेके जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, पूरी लोकसभा में दो ही शेर थे, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। और भारत के संविधान का रक्षक सही में कौन है तो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, हमारा कोई भी दलित नेता भारतीय संविधान की सुरक्षा की बात नहीं करता, वहाँ जाके कविता सुनाने की बात करता है। हमारे जो लीडर है दलित लीडर, उनसे कोई हमको अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे जैसा अंबेडकरी समाज का एक कार्यकर्ता 2014 से 2024 तक इस मजलिस से जुड़ा हुआ है, मुझे एक बात कहनी है, मेरे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे नेता उच्च शिक्षित है, इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं एमआईएम का काम करता हूँ। दलितों मुस्लिमों के लिए झगड़ने वाली मेरी पार्टी है। आज विशाड़गढ़ के
मलिक रेहान बाबा दरगाह को जिसने टारगेट किया, गजापुर में हमारी मस्जिद फूकने का कोशिश जिसने किया, उस टाइम पहले ये मजलिस का बंदा वहां गया था और उसको चैलेंज किया था। हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में कभी भी मुस्लिम समाज हो, अंबेडकरी समाज हो, दलित समाज हो, सबसे पहला कहीं कुछ होता है तो मजलिस आवाज उठाती है और संभाजी भिड़े भिड़े ऐसे लोगों को ईंट का पत्थर जवाब से देती है। छाती ठोक के बोलता हूं मैं, मेरे भाइयों ज्यादा बात करने का अभी समय नहीं है, मगर ये लड़ाई बहुत टोक की लड़ाई है और अपने इम्तिहान की लड़ाई है। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जो नेता है, हमारे जो सर का ताज है, हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है, उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितने भी गद्दार हो, उनके आके उनके सामने खड़े हो जाए। इम्तियाज जलील साहब को 20 तारीख को वोट देके उनको चुनाने की जवाबदारी आपकी है, ये मैं आपसे गुजारिश करके रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र।